कौन चोर कुछ तो कैसे हैं आप सभी, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आइकॉन टाइटन के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 7 यानी कि द फाइनल सीजन का एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इस एपिसोड में क्या क्या हुआ ये सारी चीज हम लोग हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी किए अभी के अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, उसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना और चलिए वीडियो में चलते हैं। गाइस मैं एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ कि मापा ने पहले जो एपिसोड बने थे यानी कि एपिसोड नंबर 6, वो एपिसोड में मांगा के सारे चैप्टर्स के पेजेस ठीक से एडअप नहीं हुए, यानी कि एरन का जो फाइट था वो इतना छोटा नहीं था। मांगा में ये बहुत बड़ा था और बहुत अच्छा था, मगर मापा ने बहुत सारे सीन्स कट कर दिए गए। तो यहाँ पर जो लिवाई का एंट्री है मांगा में कुछ और ही था, जिसके कारण हमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया, मगर मांगा में इससे ज़्यादा अच्छा था और कैमरा एंगल भी बहुत ही अच्छा था। तो मैं आज मांगा और एनीमे दोनों देखकर ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इससे आप लोगों का ही फायदा है, आपको समझ में आसानी होगी और बहुत ही मज़ा आएगा। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि लिवाई एंड पूरी सर्वेकॉप्स की एंट्री हो चुकी है और सब लोगों का एंट्री बहुत ही जबरदस्त था और इसे देखकर जॉन टाइटन पूरी तरह से डर से कपड़ा था, यानी कि डर के मारे पूरी तरह से मैं क्या कहूँ, तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। इसी समय एंट्री होती है पीक की, यानी कि कार्ड टाइटन की, जो कि कहता है लगता है मैंने टाइम पर पहुँच लिया। यहाँ पर पीक सब पर फायर करना शुरू कर देता है अपने जो यंत्र है उससे, अपने टाइटन के ऊपर उसने मशीन लगाई जो कि बहुत ही पावरफुल है और उससे बुलेट निकल रहा है और बहुत लोग घायल भी हो रहे थे। और तो गैलियर से पूछता है पीक, यानी कि उसे पुकारता है। फिर दिखाया गया है कि जो एरन है वो अब तक जो वायरमेट टाइटन को खा नहीं पाया क्योंकि उसके ऊपर जो क्रिस्टल लगा हुआ है वो तोड़ने में बहुत ही नाकाम है सब लोग। तो इसी समय एक घटना घट जाती है कि हमारा जो वायरमेट टाइटन है वो किसी तरह, यानी कि लारा टाइबूर किसी तरह अपने बॉडी से कनेक्शन बना लेता है और फिर वायरमेट टाइटन में बदल कर एरन को धो डालती है। यहाँ पर लारा जो है वो अपने टाइटन को भी लड़ा नहीं सकती और एरन के टाइटन को भी, यानी कि एरन को टाइटन को नाकाम बना सकता है, यानी कि एरन को नहीं नाकाम बना सकता। तो फिर जेन कहता है इट्स हियर, यानी कि यहाँ पर आ गया ये। तो यहाँ पर एक बैडेस तरीके से बैठा हुआ था एक जगह पर हमारा लिवाई और बैडेस तरीके से पीछे मुड़ा और दिखा वहाँ पर है बीस टाइटन, जो कि बहुत ही बड़ा शरा है और देखने में बहुत ही बुरा लग रहा है क्योंकि मापा ने इसे थोड़ा सा अलग बनाया है विच से। तो यहाँ पर सब लोग चिल्लाते हैं बीस टाइटन मास्टर जेक हे, और फिर हमें दिखाया जाता है जो गाबी कुत्ती है वो आ रहा था, वो कहता है आई विल किल यू एरन जेगर, तो ये सब कहती है। तो फिर हमारा जो जॉ टाइटन देन कॉट टाइटन एंड बीस टाइटन है वो सब लोग कहते हैं इनको भागने मत दो, हमें उनको पकड़ना होगा। और यहाँ पर लिवाई और सब लोग कहते हैं कोई मरो मत, हमें सर्वाइव करना पड़ेगा, तो चलो। तो इस समय फैल्को को हमारा जो रेनर है वो बचा लेता है टाइटन की कुछ पावर से। तो वहाँ पर हमारा जो यहाँ पर तो फाइट शुरू हो जाता है एक धमाल का फाइट, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 में से फाइट और फाइट और फाइट। और दूसरी तरफ फैल्को किसी तरह रेनर को जगाने के लिए कोशिश करता है, वो कुछ याद करता है जब एरन के साथ वो बात कर रहा होता है रेनर, और रेनर तो कहता है मैं यहाँ से गायब हो जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो ये सब वो याद करता है और फिर वो कहता है रेनर को जगाने के लिए यहाँ पर तो सब लोग तुम्हारा एरन नहीं है, यहाँ पर हम लोग है, गाबी है, बाहर जो लोग है सब तुम्हारे साइड में है, तो तुमको उठना पड़ेगा। और यहाँ पर 20 टाइटन पहले कर रहा है जो उसका काम है पत्थर फेंकना, वही कर रहा है साले बुगदा, जो भी हो चेन इसे मारने के लिए बहुत ही उतावला है, क्या कहा है दिस ब्लास्टर गोना पे ब्लास्टर, जो भी हो इसे गाली देता है। तो मार्डियन आर्मी एंड पीक दोनों ही सब लोगों को कवर देती है और पीक बहुत अच्छी फाइटर है जिसे मारने के लिए बहुत लोग आते हैं मगर सब लोग नाकामयाब होते हैं। और पेंजर यूनिट यानी कि जो मार्डियन का पेंजर यूनिट है वो बहुत ही मदद करते हैं सब कॉप्स को मारने के लिए मगर सब लोग नाकाम होते हैं। और फिर जॉन टाइटन भी अपना फाइट में एंट्री लेती है और सबको मारने के लिए आता है, तो यहाँ पर बहुत लोग को उन लोग मार डालते हैं और बहुत लोग खुद के भी मारे जाते हैं मार्डियंस की। तो यहाँ पर बहुत बड़ा फाइट क्रिएट हो जाता है और एरन तो लटका हुआ है जिसको वारहैमर टाइटन ने पूरा चीर दिया है, मगर वारहैमर टाइटन भी अब लड़ नहीं सकता, यानी कि यहाँ थोड़ा भी मूव नहीं कर सकता कोई भी। और फिर एरन अपने बॉडी से निकल कर कहता है आई एम नॉट फिनिश एच, तो एरन फिर जंप करता है अपने बॉडी से और फिर से टाइटन में बदल जाता है और फिर सब लोग चौंक जाते हैं ये बंदा अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो सब लोग फिर से फाइट के लिए बाहर आ चुके हैं और फिर जो जेक है वो पत्थर फेंकना शुरू कर देता है, इतनी इतनी पत्थर यानी कि सबको मारने के लिए बहुत लोग मारे जाते हैं, आ ऊ हा हा हू हा। तो यहाँ पर एरन यगर को पुकारता है देन कहता है तुम मेरा एनिमी नहीं हो, तो फिर कहता है समवन एल्स कम्स फर्स्ट, और कोई और है जिसको मैं लड़ना पसंद करूंगा। फिर वो कहता है खुद को दिखाओ लिवाई, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ, तो तुमसे मैं फाइट करने के लिए इतना उतावला हो रहा हूँ कि मैं अब वेट नहीं कर सकता। तो सब लोग कहते हैं वाओ मास्टर जेक तुम बहुत ही अच्छे हो, तुम इतना पावरफुल हो, ये सब कुछ। तो फिर यहाँ पर फैल को कमांडर मागा एंड काफी कुछ बातें कर रही होती है, तो कमांडर मागा पूछता है रेना कहाँ पर है, तो ये कहती है कि एरन अगर इसे उसने उसको पकड़ लिया ये सब कुछ कहती है उसको, देन जो गाबी है कुत्ती है वो तो कुत्ती है ये सब बकवास कर रही थी, यानी कि गाबी को देखते ही मेरे पूरे बॉडी में कैसा फील होता है, बिल्कुल कुत्ती है कुत्ती, जो भी हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो आर्मिन है वो मालदीव के सोल्डर की शिप के बाहर एक छोटी सी नौका में बैठी हुई है, छोटी सी बोट पर, और सब लोग कहते हैं हे हे तुम छोटी सी बोट पर क्या कर रहे हो, तो फिर आर्मिन
एकदम बरासा कॉल सा टाइटन बनने के लिए तैयार। ट्रांसफॉर्म हो जाता है बरासा, धमाका होता है यहाँ पर, सब लोग चौंक जाते हैं क्या हो रहा है बरासा रोशनी। तो फिर सब लोग कहते हैं रन नाउ रन नाउ, भागना पड़ेगा ये सब कुछ। फिर भी थोड़ा चोट खाती है गाबी मागा फैल को, और फिर सब लोग कहते हैं इज दिस कॉलोसस टाइटन, ये कॉलोसस टाइटन है जो कि लाथोट के से चुराया गया है, ये सब कहता है डैम्यू, ये सब कहता है। तो सब लोग यहाँ पर फिर से फाइट करने के लिए तैयार है। यहाँ पर मिकासा जॉ टाइटन को टक्कर दे रहा है बहुत ही अच्छे से, और यहाँ पर पीक भी कहती है कि बहुत सारे एनिमी आ रहे हैं। और इसी समय का सबसे बैडेस एंड कूल एंट्री होता है लिवाई की, जो कि बीस्ट टाइटन को एक ही बार में और कुछ ही स्किल्स दिखाए हुए, और कमांड यानी कि जेक जो है वो फिनिश खत्म मर गया क्या ऊपर गया जो भी हो, चेक को नाकामयाब बना देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है, ऐसा ही कह सकते हैं कि टाइटन को खत्म कर देता है, यानी कि बीस्ट टाइटन को खत्म कर देता है। तो फिर सब लोग देखकर चौंक जाता है, क्या हुआ ये, कैसे हुआ, व्हाट क्या हुआ ये सब, हमें कुछ भी समझ में नहीं हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर शाशा बाकी सब लोग बहुत ही मेहनत कर रहा है सबको मारने के लिए, तो यहाँ पर बहुत ही लोग मर जाता है, बहुत ही लोग फाइट कर रहा होता है, तो यहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो जेन है वो भी बहुत अच्छा अपना जो दायित्व है वो निभाता है। तो सब लोग सब फाइट के लिए तैयार, बहुत लोग यहाँ पर मारे भी जाते हैं। के बाद माय बॉय चेन यानी कि जो कि बहुत ही बैडस बन गया है इस टाइम स्किप के बाद, हमारा चेन जो कि पीक को पूरी तरह से खा लेता है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। सब लोग चिल्लाते हुए पीक ऐसा कहते हैं। तो टाइटन को तो खत्म कर देता है जेन, फिर वो भीतर जो पीक है यानी कि अंदर जो पीक है उसको खत्म करने के लिए जाता है। उसी समय फैल को आ जाता है और कहते हैं कि आई एम बेगिंग यू प्लीज दे करके तुम पीक को मत मारो। मैंने जो कहा वो एनिमे में नहीं दिखाई गई, ये बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, मगर एनिमे में ये नहीं दिखाई गई, मगर मांगा में ये था। तो मैं इसके बाद जो चीज़ें कहने वाला हूँ उनमें से बहुत सारे चीज़ एनिमे में तो होगा मगर मांगा में, यानी कि मांगा में तो होगा मगर एनिमे में नहीं था। तो वो सब चीज़ों को भी आप समझ लेना, इससे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आर्मिन अपने कॉलोसस टाइटन के रूप में आ जाता है और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग और बहुत सारे टाउन के बहुत सारे चीज शीप्स सब कुछ तबाह कर देता है अपनी इतना बड़ा बॉडी के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है आर्मिन अपने टाइटन बॉडी से बाहर आ रहा है और फिर जो एयरशिप है उसमें चला जाता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो फिर जो हमारा जेन पीक को मारने जा रहा था और सामने फैल्को आ गया था, तो इसके कारण जेन का जो रॉकेट हो मिस होकर पीक के शरीर में लग गया, तो पीक को पूरी तरह से बिछड़ गया, यानी कह सकते हैं पूरी तरह से घायल हो गया। तो यहाँ पर सर्वे कॉप्स आते हैं और कहते हैं कि पीक की बॉडी को हाथ से मत जाने दो, ये कांट टाइटन का बॉडी है, हमें इसे लेना ही पड़ेगा। तो फिर मार्ली सोल्डर्स पीक को बचाने के लिए सब लोग आ जाते हैं और फैल्को और गाबी दोनों मिलकर पीक को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। और फिर यहाँ पर हमें एरन और जॉ टाइटन की फाइट में दिखाया जाता है, एरन और मिकासा एंड गैलियट को, जो लोग बहुत ही तगड़ा फाइट कर रहे होते हैं और जॉ टाइटन का जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो अपने दांत की मदद से बहुत ही अच्छे से एरन को टक्कर दे रहा था और एरन के ऊपर भारी पड़ रहा था। तो फिर हमें दिखाया गया है कि हमारा जो एरन है वो ख्याल करता है कि जब जॉ टाइटन एरन को मार रहा था तब एरन के हाथ में जो और टाइटन की बॉडी के अंदर ऊपर जो पिस्टल लगा हुआ है वो तोड़ यानी कि वो थोड़ी तरह से डैमेज हो गया था जॉ टाइटन के स्लैश के लिए। तो तभी वो ख्याल करता है कि अंदाजा लगाता है कि जॉ टाइटन को हमें काम लगा सकता है, यानी कि हम लोग जॉ टाइटन को काम में ला सकते हैं तो अरमन टाइटन की पिस्टल को तोड़ने में। फिर हमें दिखाया जाता है गाबी और फैल को पीक के पास बैठा हुआ और कह रहा है पीक की बॉडी बहुत ही जल्दी से रिकवर हो रहा था, और गाबी पूछती है रेनर कहाँ है। तो फैल को कहता है एरन यगर नाम का एक बंदा उसके साथ था, तो ये कहता है और फिर कहता है वो बिल्डिंग के अंदर कहीं पर है यानी स्टेज के वहाँ पर, और गाबी कहता है कि एरन यगर सबको मार दिया सबको, तुम ये जानते हो ना फैल को। गाबी विंडो से देखता है बाहर क्या हो रहा है। तो फिर एंट्री होती है हांजी आर्मिन एंड एक नया कैरेक्टर उनिया का कौन, जो कि एयरशिप चला रहा था और सबको लेने के लिए आ चुके थे। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मिकासा और जॉ टाइटन के बीच में बहुत ही तगड़ा फाइट हो गया और मिकासा जॉ टाइटन को धकेल कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जॉ टाइटन को, और जॉ टाइटन को नीचे फेंक दिया। तभी एरन ने जॉ टाइटन को उठाया, उसे मारा, फिर उसके जो दांत है उसके दांत के अंदर अरमा टाइटन की बॉडी को रखकर उसकी दांत को पूरी तरह से मैं कह सकता उसके दांत की मदद से पिस्टल को तोड़ने की कोशिश की, और पिस्टल टूटने लगा। फिर जब पिस्टल टूट गया फिर एरन ने उस और हमारे टाइटन की बॉडी को खा लिया। तो गाइज आज इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है लाल वाला वो दबा देना, उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरारा सही होना रहा।